यहाँ आना कैसे हुआ? रोहन घर पर नहीं है। मैं रोहन से मिलने नहीं आई, तुमसे मिलने आई हूँ। समझौता करना है? समझौता? किस बात का समझौता? सौतन सौतन साथ साथ वगैरह वगैरह। माय फट। मैं ये जानने के लिए आई हूँ कि क्या रोहन की जिंदगी में तुम पहली औरत थी? औरत नहीं, लड़की। ठीक है, लड़की बेटर। यस, रोहन की मैं पहली मोहब्बत थी। ओ तो फिर ये कौन थी? अरे ये किसकी तस्वीर है? देखो गौर से देखो। ये तुम्हें कहाँ से मिली? रोहन की किसी पुरानी फाइल से गिर गई। जरा मुझे दिखाना। ओह कितना लकी है रोहन। 1996 हमारी शादी कब हुई थी? मैडम मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे तो अपनी शादी की तारीख याद नहीं रहे। याद आ गया, मेरी शादी हुई थी 1997 में। 1997? हाँ। 1996? हाँ। मतलब रोहन की जिंदगी में तुमसे पहले कोई और गर्लफ्रेंड थी? मैं अभी रोहन से पूछती हूँ, इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल होगी। चाल? 1996 में मैं तो उस वक्त स्कूल में थी। बिजली गिरे ऐसे स्कूल पर? ओ फिलहाल तो तुम पर बिजली गिरी है। तीखी मिर्ची खा गया भैया। रिंकू मैं निकल रहा हूँ, बाय। बाय रोहन, अंदर मत आना, मम्मी साफ सफाई कर रही है। क्या साफ सफाई हो रही है यार? रिंकू साफ सफाई करने के लिए तुम्हें कोई अच्छी काम वाली नहीं मिली क्या? मैं तुम्हें काम वाली नजर आती हूँ? मैं तुम्हारी सास हूँ। ओ आप है, चलो अच्छा है, साफ सफाई के साथ साथ थोड़ी साफ सफाई भी हो जाए। रिंकू कह दे अपने पति को मैं जैसे झाड़ू से कॉकरोच को मारू ना उसे भी मार। अरे यार मैंने कितनी बार कहा तुमसे डार्लिंग कि किसी अच्छी पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, घर में कितनी बड़ी बड़ी छिपकलियां हो गई हैं, ये भी साफ रहेगी। रोहन तुम क्यों मेरी मम्मी के पीछे पड़े रहते हो? अरे मैं क्या उनके पीछे पड़ा रहता हूँ, वो ही हमेशा मुझे सताती है। ओ सासू माँ क्या कर रही हैं आप? अरे मेरा इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड? वाकई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड मिला है मुझे। क्या है मम्मी वो? एक लड़की का फोटो, वो भी तुम्हारे पति के साथ। कौन है ये? हा? कौन है ये? अरे मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है, बहुत पुरानी बात है, याद भी नहीं है। कौन है ये? अरे कहा ना याद आ गया। या वो क्या हुआ देखो बताता हूँ डार्लिंग, हम लोग कॉलेज के जमाने में कश्मीर गए थे ना टूर पे, तो इस लड़की ने मेरे साथ फोटो खिंचवाई थी। आई मीन नो कॉमिक फोटो स्टूडियो 1996 या जो। अरे चलो यार डार्लिंग मैं जाता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा बाय, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ओके। और हाँ आप जो है घर चका चकर के रख दीजिएगा और थोड़ा झाड़ू अपने ऊपर भी लगा लीजिएगा। बाय बाय डार्लिंग। झाड़ू मारू मैं? देखा फोटो लेके भाग गया वो। अरे भागने देना, मेरे पास दूसरी कॉपी है। अपने दोस्तों में सर्कुलेट तो नहीं कर रहा था ये? मम्मी गैस करो कौन होगा इसमें? मैं क्या गैस करूं, मुझे पता है मेरी कोई सहेली होगी। अरे मम्मा सहेली नहीं, पहेली। पहेली? हेलो आंटी मम्मी। हेलो बिट्टू। आइए आइए आइए। यहाँ आना कैसे हुआ? रोहन घर पर नहीं है। मैं रोहन से मिलने नहीं आई, तुमसे मिलने आई हूँ। समझौता करना है? समझौता? किस बात का समझौता? सौतन सौतन साथ साथ वगैरह वगैरह। माय फट। मैं ये जानने के लिए आई हूँ कि क्या रोहन की जिंदगी में तुम पहली औरत थी? औरत नहीं, लड़की। ठीक है, लड़की बेटर। यस, रोहन की मैं पहली मोहब्बत थी। ओ तो फिर ये कौन थी? अरे ये किसकी तस्वीर है? देखो गौर से देखो। ये तुम्हें कहाँ से मिली? रोहन की किसी पुरानी फाइल से गिर गई। जरा मुझे दिखाना। ओह कितना लकी है रोहन। 1996 हमारी शादी कब हुई थी? मैडम मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे तो अपनी शादी की तारीख याद नहीं रहे। याद आ गया, मेरी शादी हुई थी 1997 में। 1997? हाँ। 1996? हाँ। मतलब रोहन की जिंदगी में तुमसे पहले कोई और गर्लफ्रेंड थी? मैं अभी रोहन से पूछती हूँ, इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल होगी।
चाल 1996 में मैं तो उस वक्त स्कूल में थी। बिजली गिरे ऐसे स्कूल पर? ओ फिलहाल तो तुम पर बिजली गिरी है। फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। एक्सक्यूज मी सर, हेलो इंटरनेशनल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, मे आई हेल्प यू? मिस्टर रोहन प्लीज। जी कौन बात कर रही है? उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। पहली सर 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 कौन है? डबल ट्रबल, मतलब आपकी दोनों बीवियां एक साथ। व्हाट? हेलो रोहन। अरे क्या बात है? सबसे पहले तुम मुझे बताओ, उस पुरानी फोटोग्राफ में तुम्हारे साथ वो रंभा कौन है? फोटो? लेकिन वो फोटो तुम्हारे, अरे वो रितू, अरे किसी छोटी बच्ची ने। बच्ची के बच्चे, कान खोल कर सुन लो, अगर शाम तक तुमने उस लड़की के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो हम उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे, समझे? रिंकू, ओ माय गॉड। क्या बात है सर, आपकी बीवी किस फोटोग्राफ का जिक्र कर रही थी? ये यार, इस फोटोग्राफ का। सर मुझे में कितने हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। लेकिन यहाँ की साइड में कौन खड़ी है? हाँ, Who the hell is she? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? ए भाई, तू मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो अपेक्षा? Who the hell is she? अरे यार तुम्हें क्या क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो लगता है कभी कभी कि मेरी दो नहीं तीन बीवियां हैं। अरे अपेक्षा तुम रो क्यों रही हो? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे यार क्या उम्मीद? अपेक्षा तुम चुप हो जाओ। ओफो अपेक्षा प्लीज यार रो। अरे यार प्लीज रो ना। अपेक्षा चुप हो जाओ। अपेक्षा चुप। रोहन चुप हो जाओ। रोहन क्या किया, क्या किया तुमने अपेक्षा को? अरे मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ नहीं किया। आप हमेशा उसी वक्त आते हैं जब मैंने अपेक्षा को कुछ नहीं किया होता है। नॉनसेंस, तुम ये रो क्यों रही है? चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ ना, ना चुप हो जाओ, चुप हो जाओ ना, ना। नहीं 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 नहीं। ओके 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 रोहन, दिस इज डिस्गस्टिंग। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चुप करो तुम। सर तुम दोनों मिलके मुझे इस संकट से बाहर निकालो बस। वाओ, व्हाट अ लुक। यस। Oh, baby, what a wonderful look. Close, please. Smile. What a smile. Yeah. I am photographer Vijay. Yeah. Vijay photographer. आप लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाया? Yes. ये फोटोग्राफ आपने डेवलप की? Yes. लेकिन ये आप लोगों के पास कहाँ से आई? क्या तुम इस लड़की को जानते हो? अरे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इस पाजी बदमाश गुंडे को नहीं जानता। ये हमारा पति है, इनका नाम रोहन खन्ना जी है। रोहन खन्ना जी? हाँ, अब बताओ ये लड़की कौन है? आप दोनों क्या जुड़वा बहने हैं? नहीं, लेकिन इस मामले में जुड़ गई हैं। अब जल्दी बताओ ये कौन है? रोहन खन्ना। अरे वो लड़की कौन है? आप दोनों ये क्यों जानना चाहते हैं कि लड़की कौन है? क्योंकि इस पर हमारी शादी का टिकना डिपेंड करता है। जल्दी बताओ ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है? ये माया है। लेकिन हमारे लिए तो महामाया है। ये फोटो कश्मीर की वादियों में 1996 में खिंचाई गई थी और इस मनहूस ने। कौन, माया? नहीं नहीं, रोहन खन्ना। अगर हमारे पति के बारे में ऐसी बात की ना तो तेरा मार मार कर ऐसा भरता बना दूंगी कि दुनिया का कोई भी फोटोग्राफर तेरी फोटो नहीं खींचेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इस लड़की को भेज देता हूँ। अब तो मुझे इस आदमी की एक और फोटो डेवलप करनी पड़ेगी। क्या? नहीं 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 नहीं, व्हाट अ बेबी, व्हाट अ बेबी। रिंकू, रिंकू डार्लिंग। हाँ बोलो। यार जब भी मैं तुम्हें रिंकू डार्लिंग कह के पुकारता हूँ, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ क्यों चली आती है? क्या आपका नाम डार्लिंग है? क्या एक्सप्लेनेशन है? एक्सप्लेनेशन? डार्लिंग तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी हूँ और तुम सीबीआई। एक मिनट, ये भ्रष्टाचारी तो है? ये भ्रष्टाचार नहीं, शिष्टाचार है। शिष्टाचार? वो कौन सा आचार होता है? अरे आप जरा अपनी अचार की बोतल का ढक्कन बंद रखिए, मैं इसे मक्खन लगा रहा हूँ। क्या? मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूर दूर से एक्सप्लेन करो, दूर से।
जब तक इस लड़की का मामला सॉल्व नहीं हो जाता मैं तुम्हारी डार्लिंग वालिंग नहीं हूँ। क्या मतलब तुम्हें मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं है डार्लिंग? देखो सर सच बता, इस लड़की का तुम्हारे साथ क्या चक्कर है बताओ? ओफो, कोई चक्कर वक्कर नहीं है रिंकू, अगर चक्कर होता तो ये फोटो इस लड़की का बाप क्यों खिंचवाता? बाप? हाँ डार्लिंग, ये फोटो जो है ना इस लड़की के बाप ने खिंचवाई है। बंडल, एक और बंडल। जी हम अंदर आ सकती हैं? तुम कौन हो? जी हमें कॉमिक फोटो स्टूडियो के मालिक विजय जी ने भेजा है, रोहन खन्ना नाम का आदमी, मेरा मतलब है लड़का, यहाँ रहती है। हटिए जरा, मैं ही रोहन खन्ना हूँ। तुम कौन हो? जी हम माया है, कश्मीर के रहने वाले हैं। मई की छुट्टियां बिताने के लिए मुंबई आई है। हैं? लोग मई की छुट्टियां बिताने के लिए कश्मीर जाते, ये कश्मीर से मुंबई आई है। जी हाँ, वो हमारे अब्बू बोले कि कश्मीर में बहुत गर्मी है इसलिए हम मुंबई चलती हैं। तुम्हारे अब्बू है का? हाँ जी हमारे अब्बू अब्बू कहाँ है आप? अरे आते घरे का बच्चा। अरे वो लिफ्ट मैन हमको लिफ्ट में घुसने ही नहीं देते। क्यों अब्बू? वो तो हम टेररिस्ट है, आतंकवादी, हम आतंकवादी लगते हैं। नहीं अब्बू। हाँ रोहन खन्ना मिली? ये रही हमारी रोहन खन्ना। ओ ये हेलो रोहन खन्ना, गले मिलो गले मिलो। मैं मूंछ निकल रही हूँ। कब मिले थे हम दोनों? भूल गए? अरे 10-12 साल पहले कश्मीर में हमारी खूबसूरत बच्ची बोली कि अब्बू ये हैंडसम नौजवान के साथ हमें एक फोटो निकालना है। भूल गए? याद आया, अब याद आया, बिल्कुल सही वक्त पे आया, अब याद आया। हो गई तसल्ली, मिल गया एक्सप्लेनेशन तुम्हें, या और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? पड़ गई करेज में ठंडा। बोलिए। हाँ डार्लिंग, हाँ मैं ना अभी आपके उस रंभा को भी फोन करती हूँ और उसकी भी गलतफहमी दूर करती हूँ। हाँ ओके। हेलो, हाँ रिंकू बोलो। अच्छा रीटू, मैंने इसलिए फोन किया था कि ना हम ना रोहन को खामखा गलत समझ रहे थे, वो फोटो वाली लड़की है ना वो खुद यहाँ पर अपने अब्बू के साथ आई हुई है। क्या बात कर रही हो? हाँ कहाँ है, कहाँ है वो? कौन कहाँ है? रोहन। हमें ना फौरन रोहन को अपोलोजाइज करना चाहिए। अपोलोजाइज करना चाहिए? अपोलोजाइज माई फुट। अरे उस विजय फोटोग्राफर ने मेरे घर में भी एक माया भेज दी है। What? रिंकू क्या हुआ? रीटू के यहाँ पर भी एक और माया पहुँच गई है। क्या? तीखी मिर्ची खा गया भैया। कहाँ है, कहाँ है वो ब्लफ मास्टर बंडलबाज रोहन, बताओ। अरे अरे अरे, अरे अंदर कहाँ घुसी चली आ रही है? रोहन कहाँ है? अरे कहाँ छुपा कर रखा है? रोहन नहीं है बाबा, मैं देख लेती हूँ। अरे अंदर कहाँ जा रही है? हेलो हेलो रिंकू, जल्दी से रोहन को फोन दे। एक मिनट, लो बात करो। हाँ रिटू भगा दो, रिटू भगा दो उस लड़की को, भगा दो। क्या भगा दो? उस लड़की का टेम्परमेंट देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमें भगा देगी। हेलो हेलो रिटू, हेलो। अगर वो माया है तो ये कौन है? चलो चलते हैं बॉस। बॉस? अब तक तो अब्बू अब्बू कह रही थी, अब बॉस हो गए? अब्बू बॉस, अब्बू बॉस, अब्बू बॉस, अब्बू बॉस, अब्बू बॉस, आपने मेरे दोनों बीवियों का शक दूर करने के लिए जो कष्ट उठाए, थैंक यू वेरी मच, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ जा सकते हो तुम लोग? रुको, पहले मुझे पता तो चले तुम लोग। आपका इस लड़की के साथ क्या ताल्लुक है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है डायमंड, इसका ताल्लुक रोहन के साथ। रोहन, रोहन कौन है लड़की, क्या रिश्ता इसका? अरे कौन है ये लड़की? कौन हो तुम? तुम क्या कर रही हो? अरे रुक, बता कौन है? बता दे। मैं रोहन सर की सेक्रेटरी। अपेक्षा।
अरे अपेक्षा, बाहर निकल। अरे तेरे बाप का घर नहीं है ये। बाप पे मत जाना। फुफ्फर तो जो मुझे हाथ लगाया, मुझे ये बताओ कि रोहन कहाँ है? उसने मुझे धोखा दिया है। मैं उसका मुंह रोश लूं। अच्छा, जसल में इतने बुड्ढे हो गए तुम? अरे अरे क्या कर रही है? अरे कौन है ये? अरे बचाओ। अरे रुक, ये रोहन नहीं है। तो कौन है ये? मेरे डैडी है। अरे क्यों रोका, और थोड़ा नोचने देती। क्या बकवास कर रही हो तुम? सॉरी अंकल, मैं समझी कि रोहन है। रोहन? रोहन से क्या नाता है तुम्हारा? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में सुना कि किसी निहायत ही फालतू सी लड़की ने उसे पटा लिया और उससे शादी कर ली। जबान संभाल के बात कर। तुम्हें क्यों मिर्ची लगी भाई? भाई, मैं भाई नहीं हूँ, मैं बीवी हूँ, रोहन की बीवी। ओ, तो तुम ही हो वो जिसके चक्कर में उसने इस खूबसूरत सी कश्मीर की कली को छोड़ दिया। खूबसूरत सी कश्मीर की कली हो तुम? अरे तुम तो फूल हो, फूल। करेक्ट, फूल ही हूँ मैं, जो उस लफंगे के झांसे में आ गई। खबरदार, अगर तूने रोहन को लफंगा वफंगा कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा होगा? हाँ। अरे 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 अरे, संभालो इनको। क्या है? अरे मेरी बेटी से क्यों फाइटिंग कर रही है? हिम्मत है तो मुझसे फाइटिंग करने की। हाँ हाँ हाँ, इनसे फाइटिंग करो। इनसे फाइटिंग कर, चल। नहीं करूंगी, अब तो मैं उस कुंडे के साथ ही फाइट करूंगी। डर गई, डर गई। नहीं हूँ मैं, उस कुंडे को बताऊंगी। अच्छा, ताकत बचा के रखना, वो रिंकू के घर में है, जाके उस बंदरबाज की पिटाई करना। जाओ जाओ, वहां जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू रिंकू। प्लीज मेरी बात मानो, मेरा किसी मायावा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। बात मत करो मुझसे, तुम एक नंबर के बंडलबाज हो, धोखेबाज हो, वुमनाइजर हो। ठीक कहा तुमने। कौन है? तुम। शुक्र है तुमने मुझे पहचाना तो सही। मम्मी। क्या है? मम्मी मम्मी, ये वही फोटो वाली लड़की है ना? अरे हाँ, मैं वही फोटो वाली लड़की हूँ। सब कमर में हाथ डालकर फोटो खिंचवाई। क्या कर रही है? हाथ निकाल दो। तुम जबरदस्ती मेरे गले पड़ी थी। मैं गले पड़ी थी? वो दो दिन की पिकनिक में मेरी झूठी तारीफी करके मुझे तुमने पटा लिया, मुझसे मोहब्बत का नाटक किया और मुझसे शादी का भी वादा किया। शादी का वादा भी किया था, और उस वादे के भरोसे मैं आज तक कुंवारी बैठी हूँ। और देखो ना, वही ड्रेस पहनकर तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा, चलो ना, चल के शादी कर लेते हैं। अरे छोड़ो यार, मैं पहले ही दो बार शादी कर चुका हूँ। कोई बात नहीं, तीसरी बार कर लो, चलो। अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो तीसरी बार शादी करूंगा? पागल कुत्ते से पहले ना मैं तुम्हें काट लूंगा। मुझे नहीं पता था कश्मीर की खाई इतनी गहरी है। चलो, अरे चलो चलो, चलकर शादी कर लेते हैं। छोड़ो, पागल हो गई हो? अरे रितु और रिंकू नाम की ऑलरेडी मेरी दो दो बीवियां हैं। दो दो बीवी है तुम्हारी? रिंकू नाम की नहीं, रितु नाम की एक ही बीवी है तुम्हारी। व्हाट? अरे हाँ, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। डार्लिंग, चलो अच्छा है, आज से तुम 50% आजाद होगे। चलो वहां चलकर ना बाकी के 50% का भी फैसला कर लेते हैं। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। आउट आउट, खबर दादे इस घर में पैर रखा तो। पैर? पैर क्यों रखूंगी, मैं तो पूरी की पूरी यहाँ रहूंगी। क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती नहीं है, हक है मेरा, क्योंकि तुमसे पहले रोहन ने मुझसे प्यार किया है। रोहन रोहन रोहन। हाँ। अरे बोलो, तुम बोलो। अरे मैं क्या बोलू यार, पिकनिक वाली फ्लर्टिंग को अगर लड़की प्यार समझती तो हाँ, मैंने किया है प्यार। शादी से पहले तुम्हारी जिंदगी में ये लड़की आई थी? अरे रितू, आई वॉज नॉट सीरियस। नॉट सीरियस? अच्छा, तो फिर जरा ये भी बता दो, उस फ्लर्टिंग में तुमने मुझे ये अंगूठी क्यों पहनाई थी? ये अंगूठी मैंने नहीं पहनाई थी, मतलब मैंने कोई भी अंगूठी नहीं पहनाई थी यार। रोहन। रिंकू, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे वाह,
तुम तो ऐसे आई हो जैसे घर में लौट रही हो। मैं सिर्फ रोहन को ये कहने के लिए आई हूँ कि मैं उसे हमेशा 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 के लिए छोड़ के जा रही हूँ। ओके, तो मैं भी कह देती हूँ कि मेरे घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ओके, ऑलराइट, तुम दोनों मुझे छोड़ के जा रही हो ना? हाँ। पक्का? हाँ भाई, हाँ भाई। अब हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते। ओके ठीक है, तो आज के बाद मैं सिर्फ इसका मुंह देखूंगा। मजाक बना रखा? और मजाक क्या कर रहा हूं मैं? देखो, इन दोनों ने तो मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मैं आज अभी बल्कि इसी वक्त बिट्टू, बिट्टू की नानी और बिट्टू के नाना, इन तीनों को साक्षी मानकर तुमसे विवाह कर रहा हूं। एक फेरा हो गया। अरे मुझे नहीं मम्मी पसंद आई। मम्मी के बच्चे दूर क्या कर रही हो? तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना? चलो सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। चलो चलो चलो। अरे इसे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम्हारे जैसे धोखेबाज बंडलबाज आदमी से शादी करेगी? अरे ये कबाब में हड्डी कौन है? कबाब में हड्डी? माया तुम बताओ मैं कौन हूँ? He is my husband. क्या? इसका मतलब तुम शादीशुदा हो और शादीशुदा होने के बावजूद एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी हो? अरे ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्यों पड़ी हो पीछे? तुमसे बदला लेने के लिए। बदला? क्योंकि तुमने मुझे मीठी मीठी बातें करके आशा दिखाई थी। और आज इसका बदला पूरा हो गया, तुम्हारी दोनों बीवियां तुम्हें छोड़कर जा रही है। और अब तुम किसी लड़की से झूठे वादे मत करना। मम्मी अब मत जाओ ना। छोड़ मुझे, हट। मेरे घर में पहले से दो शैतान बच्चे हैं। चलो बिच्छू, बाय। और हाँ, अब तुम रहो जिंदगी भर अकेले। अंगूठी तो दे दी जाओ। तोड़ पे वाली अंगूठी। चलो बाय बाय। रिट्टू मर गई। रिट्टू? रिंकू मर गई। रिंकू मरी हुई? रिट्टू सॉरी सॉरी रिट्टू, देखो क्या है कि शादी से पहले हर एक का यार एक हाथ दो बार अफेयर तो हो ही जाता है। हाँ हाँ देखो दो बार हाँ बोल रहे हैं। प्लीज मान जाओ। नो रिंकू, प्लीज नो 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 नो। एक्सक्यूज मी, क्या रिट्टू खन्ना यही रहती हैं? या मैं ही रिट्टू खन्ना हूँ, बोलो। रिट्टू तुम कितनी चेंज हो गई हो। हैं? कौन है तुम? मुझे नहीं पहचाना। राहुल याद है 10 साल पहले तुमने मेरे साथ फोटो खिंचवाई थी? फोटो? रिट्टू रिंकू खन्ना आई है क्या यहाँ पे? हाँ मैं रिंकू खन्ना हूँ, आप कौन? मैं रोहित। अरे कहाँ हो तुम? अरे देखो कॉलेज के दिनों में हमने साथ साथ ही फोटो खिंचाई थी। रिट्टू रिंकू, अरे उठो उठो, ये दोनों असली बॉयफ्रेंड्स नहीं है तुम लोगों के, किराए के बॉयफ्रेंड्स हैं। तुम्हें सबक सिखाने के लिए इन दोनों को मैंने ही बुलाया था। अरे शोर मचा है अब कर...